अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और कितना प्यारा लग रहा है बाहर, मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को आज ये दिखाऊंगी। ये दिन का टाइम था और मैं कर रही थी सेकंड डे, मैंने इफ्तार रखी थी, अपनी बेटियों को बुलाया था, भाई भाभी थे तो उसकी तैयारी, और बाहर निकली हुई थी इतनी खूबसूरत रेनबो, तो जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं सारे काम छोड़ कर गई और मैंने कहा आप लोगों के लिए उसकी एक क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा जी, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, काफ़ी बिज़ी जा रहे होंगे, काफ़ी काम होता है, एक पूरा इंसान का रूटीन चेंज हुआ हुआ होता है। तो और अब ईद भी आने वाली है, आखिरी अशरा भी चल रहा है रमज़ानों का, तो अल्लाह करे आप लोगों का टाइम बहुत अच्छा गुजरे, सारी इबादतें कबूल हों और आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरे। मैंने जो थोड़ी बहुत इफ्तारी बनाई है उसकी एक वीडियो बना लिया है, मैंने पहले भी बताया था मेरे रमज़ान में इतने व्लॉग्स मैंने शूट नहीं किए हैं, और बस ये एक इफ्तारी का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन पैटी। चिकन पैटीज़ के लिए मैंने जो है वो चिकन वगैरह जो है वो बना कर रख दी थी, और ये चिकन पैटीज़ मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैं जो है उसमें फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद मैंने बनाने थे एक सालन बनाना था मैंने, क्योंकि इफ्तारी ज़्यादा थी, फिर खाना खाया नहीं जाता है। ये है 2 टेबलस्पून जो है ज़ीरा और सौंफ और साबित धनिया, और इसको बस मैं एक दो दफ़ा इसमें मिक्सर में घुमा लूँगी, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, दरदरा रखना है। अच्छा, बन क्या रहा है, ये बन रहा है चिकन का अचार गोश्त, जो बनता है ना चिकन अचारी, तो वो बन रहा है। मसाला मैं घर का ही सारा यूज़ करूँगी, पैकेट वाला नहीं लिया है। ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो डाल लिए हैं, रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, और इसके अलावा धनिया मिर्चें, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके अलावा थोड़ा सा धनिया होगा, थोड़ी सी गरम मसाला होगा, थोड़ी सी हल्दी होगी। तो अपना आप जितना भी गोश्त लेते हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से इसको रख सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 1 किलो चिकन था, तो मैं उसका जो है ये अचारी चिकन बना रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ मैंने जो है वो प्याज ले ली थी, उसको भी चॉप कर लिया था रफ सा, और इसको बस हम जो है वो फुल फ्राई नहीं करेंगे, इसको हाफ फ्राई करेंगे तकरीबन, जब ये कलर चेंज कर देगा तो फिर हम सारे मसाले और चिकन वगैरह डालकर इसको भूनेंगे। तो बस इफ्तारी क्योंकि काफ़ी सारी हो जाती है, उसके अलावा शरबत भी होता है, तो इफ्तारी से ही इतना पेट भर जाता है कि खाना नहीं खाया जाता है, और बस इसीलिए मैंने भी सोचा था कि मैं खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रखूँगी, इतनी मेहनत होती है और वो बचता है फिर आगे एक एक दिन दो दो दिन तक चलता है, तो बस एक ही डिश बनाई जाए। तो फिर मैंने चिकन की एक डिश बना ली थी, साथ में ये मैं अदरक लहसुन जो है ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये चिकन को जो है अब मैं इसमें डालकर और भूनूंगी, इसका रंग चेंज हो जाएगा, अदरक लहसुन का जो है वो अच्छा सा भुन जाएगा, इसकी तेज़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर हम इसमें अपने दूसरे मसाले शामिल करेंगे, नमक डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से, और मसाले मैंने सारे दिखा दिए थे आप लोगों को, और ये मैं इसमें अब झोंक दूंगी कहते हैं ना झोंक दिया इसमें, तो ये मैं इसमें झोंक दूंगी और इसको अच्छी तरह भूनूंगी। बड़े मज़े का बनता है और घर के मसाले का बहुत ही शानदार बनता है, कोई मुश्किल भी नहीं होती। तो अक्सर हम पैकेट वाले भी यूज़ कर लेते हैं, मगर मेरे पास जो था इस वक्त पैकेट नहीं था, तो मैंने कहा मैं घर के मसाले से ही बना लेती हूँ। अच्छा खासा मैंने इसमें योगर्ट डाला है, और साथ में मैंने टोमेटोज़ भी यूज़ किए थे, कैन वाला कैन यूज़ किया था, तो वो भी जाएगा इसमें, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। ये थोड़ी देर बाद मैं फिर गई तो मैंने देखा कि भाई ये तो डबल रेनबो है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि जल्दी से आओ देखो कितनी खूबसूरत रेनबो है, और एक नहीं दो दो हैं। तो मैंने जाके ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लिया, देखें कितनी अल्लाह की कुदरत है, कितना खूबसूरत आसमान पे रंग बिखरे हुए थे, और इतनी क्लियर ये रेनबो थी कि इसके रंग देख के गिने जा सकते थे, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये भुन गया है, थोड़ी सी चिकन भी गल गई है, अब मैं इसमें ये मोटी मोटी ये है ना सेहतमंद सी हरी मिर्चें ये डाल दूंगी, बीच में से मैंने इनमें कट लगा लिया है और बस इसको दम पे रख दिया है, और ये 5 मिनट बाद मैं अलग कर दूंगी। यहाँ पर बन रहे हैं जनाब माश के दाल के दही भल्ले, भल्ले कहते हैं या बड़े कहते हैं ये भी बताइएगा, कराची वाले जो है वो बड़े कहते हैं और लाहौर वाले जो है वो भल्ले कहते हैं, तो बहरहाल दोनों ही लफ्ज़ बहुत प्यारे हैं, भोलू गोलू से हम लोग जो है इसको बड़े कहते हैं। तो दही बड़े बन रहे थे और मैंने उसकी दाल पीस ली थी, और यहाँ पर मैं दही बना रही हूँ उसका। दही कैसे बनाते हैं आप लोग, मैं तो जो है इसमें चीनी यूज़ करूँगी, मीठा दही मुझे अच्छा लगता है दही बड़ों में,
तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको अच्छा सा फेंट लूंगी, स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा मैं दूध भी शामिल करूंगी और बहुत ज़्यादा ना इसको गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला करना है कि पानी ही हो जाए, बस एक मीडियम सा इसको रखना है। तो बहुत मज़े का ही दही बनता है और इसमें मैं मिर्च मसाला कुछ भी शामिल नहीं करती हूँ। दही बड़ों में दही जो है वो बस इसी किस्म का जाता है, सादा सूदा सा। और मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज जो जैसे बहुत से लोग जो छोलों में चीज़ें डालते हैं वो भी दही बड़ों पे डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं बिल्कुल इनको सादा बनाती हूँ, जैसे जैसे बना रही हूँ आप लोग देखिएगा और कभी मेरे तरीके से बनाइएगा। अगर आप लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो किसी वक्त मेरा वाला जो ये है तरीका इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बस ये जल्दी जल्दी काम हो रहा था और दही बड़े बन रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि अफ्तारी में फ्राइंग का काम बहुत होता है, पकोड़े फ्राई करने होते हैं और रोल फ्राई करने होते हैं और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी ये दही बड़े जैसे मैं बनाने लगी हूँ इसमें भी टाइम लगेगा। अच्छा, दही बड़े बनाते वक्त एक टिप दूंगी, बहुत ख्याल रखें आँच को तेज़ ना करें, तेल को पहले गर्म कर लें उसके बाद आँच को धीमा कर लें। अगर ये तेज़ बिल्कुल खौलता हुआ वो हुआ ना आपका ऑयल और आपने इसमें दही बड़े डाले तो वो होगा ये कि वो ऊपर से तो इतनी तेज़ी से ब्राउन हो जाएंगे आपको लगेगा पक गए, मगर वो अंदर से कच्चे होंगे, सब गीली गीली जो है वो दाल होगी और वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए इनको मीडियम लो की तरफ रखें और आँच को, और फिर इसको बनाएं क्योंकि इसको अंदर तक पकाना है, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से ब्राउन नहीं करना है। और जब ये ऐसे गोल्डन ब्राउन से हो जाए तो फिर इनको निकाल कर, और मैंने अभी पानी में डाल दिया है और ये बस मुश्किल से 1 मिनट मैं पानी में रखूँगी और उसके बाद निचोड़ कर निकाल लूँगी। तो बस एक बार अगर आप अच्छी तरह इसको बना लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा इसको तेज़ ब्राउन भी नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का जैसे गोल्डन रंग आ जाता है ना वो इसको हमने देना है। तो ये मैंने एक बैच निकाल लिया है जनाब, इसको मैंने पानी में डाल दिया और दूसरे जो है वो फिर मैंने फ्राई करने रख दिए हैं। अब इसको इस तरह हथेली की मदद से जो है वो निचोड़ कर जो है इसका पानी जो है वो निकाल दें और फिर इसको जिस डिश में भी निकालना हो बनाने हो आपने उसमें फैला दें और ऊपर से फिर दही फैला देंगे। तो मेरे दही बड़े बस जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे और इस दिन मैंने फ्रेश बनाए थे, जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे दही बड़े वो मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मैंने योगर्ट बना के रखा था दही बड़ों का वो मैं इस पर अब फैला रही हूँ। आप लोग ना मेरी तरह ये छोटी डिश नहीं लीजिएगा, बड़ी डिश लीजिएगा। और पता नहीं मैंने बड़ी डिश क्यों नहीं निकाली, मुझे लगा इसमें आ जाएंगे और मगर आ तो गए थे मगर बस ये फंसे फंसे से थे। तो आप लोग ना फैला कर बनाइएगा तो फंसे फंसे नहीं होंगे। ऊपर से आ गया है जनाब छिड़काओ भुने हुए कुटे हुए ज़ीरे का, और चाट मसाला अगर हो तो वो भी डाल दें। तो बस इसकी जो बहार जो है ना दही बड़ों की वो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि इमली की खट्टी मीठी चटनी और चाट मसाला या भुना हुआ ज़ीरा। तो बस हमारे जो है वो दही बड़े तैयार हो गए हैं और इसको मैं अब जो है वो रख दूँगी और उसके बाद आगे का काम शुरू करूँगी क्योंकि अभी काफ़ी काम बाकी था। यहाँ मैंने जो है वो ओवन की ट्रे में जो एक दिन पहले मैंने अपने सैंडविचेस बनाए थे, ये सॉरी सैंडविचेस नहीं चिकन पेटीज, तो उनको जो है वो मैं रख रही हूँ और इसको हम ओवन में बेक कर लेंगे। 15-20 मिनट लगते हैं और फिर ये हो जाएगा। साथ साथ टेबल भी सेट हो गई है। और आज मैं आप लोगों को बताऊँ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि जब मैंने सुबह अपनी डिश वॉशर खोला कि मैं उसमें से बर्तन निकाल लूँ धुल चुके हूँ, तो मैंने देखा कि डिश वॉशर में बर्तन नहीं धुले थे और हमारी डिश वॉशर जो है वो ख़राब हो गई थी, नाराज़ हो गई थी, यानी कि उसमें पानी भरा हुआ था, उसका पानी ड्रेन ही नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी चेक किया, सब कुछ देखा, मगर वो ठीक नहीं हुई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सुबह ही सुबह धक्का, यानी कि सदमा था। सुबह सुबह ये सदमा देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर मैंने कीमे के रोल्स निकाली हैं और पकौड़ा भी मिक्स भी तैयार कर रही हूँ, मैं पकौड़ों का बैटर भी बना रही हूँ। रोल्स जो है वो कीमे के हैं, ये बना के फ्रीज़ किए हुए थे पहले से, तो बस निकाल लिए हैं बाहर। और इधर जो है हम पकौड़ा के जो है वो मिक्सचर तैयार करेंगे। और पकौड़ा मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ था तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत कम यूज़ हुआ है, मुश्किल से 2 या 3 बार पकौड़े बने हैं और ज़्यादातर जो है वो रोल्स मेरे घर में बने हैं। तो बस इनको डालकर, नमक डाल के, थोड़ा सा इसमें मैंने सोडा डाला है और इसको हम जो है वो फेंट कर रख लेंगे।
और फिर उसके पकोड़े बनाएंगे। आलू भी मैंने काट लिए हैं पीछे बारीक बारीक स्लाइसेस, तो और पकोड़ों में फिर प्याज और धनिया मिर्चें वगैरह जो है वो भी सब डाल लें। और वैसे आलू के जो पकोड़े हैं ना वो इतने मज़े के लगते हैं कि अगर वो सामने रखे हो ना तो दूसरे वाले पकोड़े तो खा ही नहीं जाते। ये मुझे मेरी पसंद है, मगर मैंने देखा है मोस्टली लोगों को आलू के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब बेटी जो है वो मेरी रोल्स वगैरह फ्राई कर रही थी, क्योंकि फ्राइंग का काम मैंने जैसे बताया ज़्यादा था, तो उसने कहा कि चलो मैं शुरू करती हूँ, आप जब तक दूसरे काम कर ले। और क्योंकि अभी फ्रूट चाट भी बननी थी तो मैंने कहा हाँ तुम ये शुरू कर दो। और यहाँ पर ये फ्रूट्स मेरी बेटी ने सारे काट के रख दिए थे, अब मैं इसमें ये चीज़ें मिला रही हूँ। 2 टेबल स्पून शुगर है, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, और थोड़ा सा नमक है, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी थी। तो ये मैंने डालकर जो है इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, और तकरीबन 4-6 जो है वो ऑरेंजेस का जूस जो है वो भी मैंने इसमें शामिल किया था। बड़ी जूसी, बड़ी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई थी। और जैसे जैसे ये चीज़ें बनती जा रही थी ना, मैं बजाय फ्रिज में रखने के, क्योंकि टाइम अब कम था, मेरे ख्याल है आधा या एक घंटा रह गया था, बजाय मैं इसको फ्रिज में रखती ठंडा करती, मैंने कहा कि नहीं मैं इसको डायरेक्ट टेबल पर ही रखती रहती हूँ, और बस अब वो फ्राइंग का काम होगा, और जो जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती रहेंगी हम टेबल पर रखते रहेंगे। और इतनी देर में अभी कुछ लोगों ने आना था तो वो भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी टेबल जो है वो तैयार हो गई है। कुछ चीज़ें मैंने जो हैं वो डिस्पोजेबल जो है वो यूज़ किए हैं, बोल्स वगैरह, ताकि मुझे, जैसे मैंने बताया डिश वॉशर ख़राब हो गया है तो तुम्हें मुझे बर्तनों का ढेर ना धोना पड़े। अच्छा, बाहर आ गई हूँ, देखिए कितना बिल्कुल मग़रिब के करीब होने का टाइम है, इतना अच्छा लग रहा था, मगर बादल इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि रात होने वाली है, मगर अभी रोज़े में टाइम बाकी है और बाहर का कुछ सीन है ऐसा। माशाल्लाह बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं यही सोच रही थी कि अब जल्दी से गर्मी आए तो हम बाहर बैठें और बाहर के मज़े लें। और यहाँ पर देखें रोल्स वगैरह भी बन गए हैं, और अब जो है मैं पैटिस निकालूंगी, अवन में मैंने रख दिए थे और पैटिस भी हो गए हैं। ये पैटिस भी बहुत अच्छे बने थे, ये मैंने चिकन के बनाए थे। अच्छा, पैटिस हो गए हैं, रोल हो गए हैं, उनको बाहर रख दिया है टेबल पे। अब एंड में जो है वो बिल्कुल बन रहे हैं पकोड़े, और ये मैं पकोड़े अब डाल रही हूँ, और उसके बाद जो है वो आलू वाले पकोड़े बनेंगे। और तकरीबन टाइम होने वाला था, और अभी जो मेरा भाई और भाभी वगैरह नहीं आए थे वो लोग भी आ गए थे, तो बस अच्छा लग रहा था, सब आ गए एकदम और सब ने मिलके अफ्तारी की, और बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा लगता है अफ्तार की टेबल पे जब बहुत सारे लोग हों, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस दिन। और अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, मुझे नहीं लगता शायद ईद से पहले कोई वीडियो जो है मैं शेयर करूँ, और हो सकता है अगर मैं किचन की सफाई क्योंकि करूँगी, अगर उसकी वीडियो बन गई तो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से ईद के बाद ही मिलेंगे ईद के व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर अब ये आलू जो रखे थे उसको जो है वो मैं तल रही थी, और आलू के पकोड़े बन रहे थे, और यहाँ पर अब सब मैंने टेबल पर रख दिया है, हर चीज़ तैयार हो गई थी। चिकन पैटीज थे, और वो थे बीफ के जो कीमे के रोल्स थे, दही बड़े और पकोड़े, उसके साथ चटनियाँ, और वो था फ्रूट चाट थी, तो शरबत था लाल शरबत जो रमज़ान की जान होता है, इफ्तारी की जान, खजूरें थीं, और इसके अलावा यही सारी चीज़ें थी मेरी इफ्तारी पे। और रात के खाने के लिए मैंने सालन बनाया था चिकन का जो है अचारी, चिकन अचार गोश्त का, तो ये सारी चीज़ें थीं। और बस अब हम लोग बैठेंगे और अजान होने वाली है, और उसके बाद जो है रोज़ा खोलेंगे। तो कैसा लगा है आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ज़रूर ज़रूर। आखिरी अशरा चल रहा है, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।